ठीक है तो समीक्षा बातचीत शुरू करें यस yes, सबसे पहले तो बिना अपना नाम फिर से दोहराए हुए या अपनी जाति धर्म समुदाय इन सब का कोई भी उल्लेख किए बिना और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताएं सर मैं बिहार राज्य के अररिया जिले के निवासी हूँ और आ, मैंने अपनी दसवीं की परीक्षा बी एल डी हाई स्कूल से पूरी की है और आ, अपनी बारहवीं की परीक्षा वाई एन पी इंटर कॉलेज अररिया से पूरी की है उसके बाद मैंने बी टेक किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया से 2017 में और उसके बाद से मैं सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ आप पूर्णिया गई थी बीटेक करने के लिए यस yes, sir. और 2012 के बाद पाँच साल यानी 2017 में जाकर आपने बीटेक किया सर दो हजार से 2017? हाँ मतलब एक साल आपको बीच में अपने गैप लिया yes, sir. और 2017 में जाके आपसे डिग्री हुई, हुई जब इतना सब समय फिर आपने क्यों व्यर्थ किया यदि आपने उस डिग्री का कोई इस्तेमाल ही नहीं करना था तो क्योंकि आ, आपने उसके बाद आप बता रही कोई नौकरी नहीं की विषय के तौर पे भी आपने हिंदी साहित्य जैसा विषय लिया तो वह डिग्री तो माता पिता के बजट के उस पर आर्थिक रूप से एक बोझ ही हुई सर मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ और इंजीनियरिंग के दौरान मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में जाना और इसके सिलेबस के बारे में पढ़ा तो फिर मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ हो गया सर तो ये जो आपने अपने प्रथम प्रेम यानी कि इंजीनियरिंग को दगा दी इसका इसका कोई अफसोस आपको नहीं है सर आ, एक मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री तो चाहिए ही थी सिविल सर्वेंट आ, बनने के लिए तो सर मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक हो जाएगा चलिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा ही है मुझे बताइए कि ट्रांसफार्मर यस सर याद है ना एसी मशीन होता है Yes, क्यों एसी मशीन होता है व्हाई डोंट वी हैव डीसी सर जो आउटपुट हमें चाहिए होता है हाउस होल्ड अप्लाइंसिस के लिए वो एसी चाहिए होता है और जो ट्रांसफार्मर है वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट के लिए और अभी सवाल हम... अभी भी आप समझिए नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर एक डी मशीन क्यों ए मशीन क्यों है डीसी ट्रांसफार्मर क्यों संभव नहीं है आउटपुट में तो हमें किसी 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 जगह पे डीसी की भी जरूरत पड़ सकती है ट्रांसफार्मर डीसी ट्रांसफार्मर हो सकते हैं कि नहीं सॉरी सर नहीं सोचा नहीं सोचा चलिए कोई बात नहीं ये बताइए कि मान लीजिए आपके पास सिंगल फेज एसी है और आपको थ्री फेज एसी चाहिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सॉरी सर इस बारे में इंजीनियरिंग के बारे में बात ना करूं uh, आप पूरी तरह से दगा दे चुकी हैं इस विषय को नहीं सर uh... चलिए हिंदी साहित्य पे बात करते हैं हिंदी साहित्य में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ से साहित्य से। नहीं रे साहित्य से साहित्य की किस विधा से किस काल से किस खंड से छायावाद सब पढ़ा हुआ आपने। चलिए बात करते। अच्छा। भक्तिकाल के उदय को लेकर एक महत्वपूर्ण विवाद चला है आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों मानते हैं कि कुछ प्रभाव तो मुस्लिम आक्रमण का रहा है अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अगर मुस्लिम आक्रमण न भी हुआ होता तो हिंदी साहित्य का बारह आना वही होता जो आज है बाकी ना कौन सा है जो मुस्लिम आ, सर, जो मुस्लिम मुस्लिम आक्रमण आक्रमण की प्रतिक्रिया में? सर, के समय ऐसा था कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश की थी मुस्लिम गैर भारतीय लोग थे सर जो बाहर से जो आक्रमणकारी आए थे सर अच्छा उस समय पे ठीक है तो इसलिए ये एक आंदोलन के रूप में उस टाइम प्रस्फुटित हुआ था सर और मुख्यतः ये दक्षिण भारत से आया था दक्षिण भारत में तो कभी मुस्लिम आक्रमण हुआ ही नहीं था सर उस वक्त दक्षिण भारत से एक लहर चली थी सर और गुरु रामानंद को माना जाता है कि वो नहीं आप तेरा सवाल सोचा अभी आपने कहा कि मुस्लिम आक्रमण से आया यस सर और दक्षिण से आया ये दोनों बात तो सच नहीं हो सकती क्योंकि मुस्लिम आक्रमण तो पश्चिमोत्तर भारत से हो रहा था यस सर सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो दक्षिण भारत से जो लहर चली थी वो भारतीयों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही थी और जब आ, मुस्लिम आक्रमणकारी आए और जो आ, गैर हिंदू थे तो इन लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने की जो कोशिश की और फिर जो अपनी भावनाओं को भक्ति के रूप में जो प्रकट किया वो एक भक्ति आंदोलन के रूप में देखती तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्या नहीं है ये व्याख्या तो मूलतः रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या है मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं सॉरी सर इतनी गहराई से अभी नहीं चलिए खैर छोड़ देते हैं आप साहित्य को लेकर भी बहुत संतुष्ट हैं आधुनिक काल तो अच्छे से पढ़ा होगा yes, गोदान पढ़ा है आपके पाठ्यक्रम का है yes, अच्छे से पढ़ा है yes, चलिए गोदान में अगर हम बात करें तो सरोज को नहीं याद करके बताइए uh, सरोज अह यस सर मैंने पढ़ा है अह uh, एक uh, ये uh, किसी की पुत्री है सर uh, <laughs> किस कोई ऐसी पात्र हो सकती जो किसी की पुत्री ना हो यस सर सर uh, मुझे नाम याद नहीं आ रहा uh, मालती की छोटी बहन है सरोज अब याद आया मालती याद है कौन है यस yes, सर कौन है डॉक्टर मालती सर uh, uh, मालती जो है डॉक्टर मालती और सरोज दोनों ही स्त्रीवादी पात्र है इन दोनों के स्त्रीवाद में क्या अंतर है सर uh, जो सरोज है उन्हें बहुत घरेलू रूप में दिखाया गया है और गोविंदी को सरोज मान रही नहीं सर सरोज मालती की छोटी बहन है कॉलेज में पढ़ती है यस yes, सर याद कीजिए सरोज और मालती में सर डिफरेंस है मालती है वो थोड़ी पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक नजर आती है सरोज भारतीय सभ्यता के समर्थक है लेकिन कहीं ना कहीं उनके पिता के साथ उनका जो अपने स्वेच्छा से वो विवाह करना चाहती उस बात पर मतभेद नजर आता है चलिए एक बार देख लीजिएगा इनके तो पिता है ही नहीं पाठक इस